स्टूडेंट नो लेट्स सी एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 14.3 सो क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ये एज इट इज गिवन है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। क्वेश्चन कहते हैं कि 400 नियॉन लैंप्स हैं। कितने लैंप्स? 400 नियॉन लैंप्स हैं, ओके, जिनकी लाइफ टाइम गिवन है आवर्स में, घंटों में गिवन है लाइफ टाइम, और ये नंबर ऑफ लैंप्स हैं। फॉर एग्जांपल 1500 से 2000 आवर्स चलने वाले कितने लैंप हैं? 14। 2000 से 2500 आवर्स चलने वाले कितने लैंप हैं? 56। 2500 से 3000 के बीच में चलने वाले कितने लैंप्स हैं? 16। सो ऑन। हमें निकालनी है मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप। लैंप की मीडियन लाइफ टाइम निकालनी है, लाइफ टाइम की मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप। मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टेबल बनाना होगा, क्योंकि हमें मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, चलिए मेरे साथ। चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए हमें बनाना होगा टेबल। इस टेबल के 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट विल शो क्लास इंटरवल, ये फर्स्ट वाला हमारा क्लास इंटरवल शो करते हैं। सेकेंड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड में हमें बनाने होते हैं एक अपने तरफ से टेबल, दैट इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यू नो वाट, लाइफ टाइम इन आवर्स जो है वो हमें शो करती है क्लास इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 1500 से 2000 आवर्स चलने वाले कितनी हमारे पास नियॉन लैम्प हैं? 14। 2000 से 2500 आवर्स चलने वाले कितने नियॉन लैम्प हैं? 56। 2500 से 3000 के बीच में चलने वाले कितनी है हमारे पास नियॉन लैम्प हैं? 60। ओके, 3000 से 3500 वाले कितने नियॉन लैम्प हैं? देन 86। सो ऑन। अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, CF निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालें? एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट वाली CF हमारी फ्रीक्वेंसी की तरह होती है, सेम टू सेम। सेकेंड में हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों को ऐड करते हुए चलते हैं। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी से हम ऐड करेंगे। 14 को 56 से ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी? 70। अब 70 में 60 ऐड करेंगे, 130। 130 में 86 ऐड करेंगे, 216। 216 में 74 ऐड करेंगे, 219। 219 में 62 ऐड करेंगे, 352। 352 में 48 ऐड करेंगे, 400। हमें कितनी मिल जाती है, कितनी लैंप्स हैं? 400। और ये 400 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंड वाली जो CF होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 400 है, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वाली जो हमारी है, ओके, दैट इज ऑल्सो शोइंग 400। इट मीन्स हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट है, CF भी करेक्ट है, और फ्रीक्वेंसी है ही गिवन 400। इट मीन्स वी हैव डन करेक्टली, ओके, कैलकुलेशन राइट है। अब हमें निकालने हैं मीडियन। कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम सारे वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट करेंगे। मीडियन क्लास कितनी है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जस्ट यू कैन सी हियर, 400 हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाय n। अब n बाय 2 निकालना होता है हमें, n को 2 से डिवाइड करेंगे देन हमें मिल जाएगी n बाय 2। 400 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलती है 200। कितनी? 200। अब हमें ये देखना होगा कि ये 200 CF की कौन सी, मीन्स इस वाले कॉलम में हम कहाँ पुट कर सकते हैं, 200 के बाद वाला नंबर कौन सा है, 200 के बाद वाली वैल्यू कौन है? देन 216। 200 के बाद वाली जो होती है 216, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसी में जो फ्रीक्वेंसी शो करेगी दैट विल बी F। ये हमारी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F, ओके, और ये इसी के सामने वाली जो हमारी क्लास इंटरवल होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। ये होगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 3000, और F कितनी है? 86, और CF कितनी है? देन इस वाली जो टेबल है, ओके, मीन्स वैल्यू है CF की, इससे एक पहले वाली जो वैल्यू होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CF। 130 को रिप्रेजेंट करेंगे CF, राइट। अब हमें निकालना होगा क्लास साइज। क्लास साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। 2000 में से 1500 माइनस करेंगे, 2500 में से 2000 माइनस करेंगे, कितनी मिल जाती है? 500। सो H हो जाती है क्लास साइज, और ये क्या है? 500। मीडियन क्लास 3000 से 3500 है, लोअर लिमिट 3000 है, H कितनी है? 500। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 86। CF कितनी है? 130। सारी वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लिए। अब हम निकालेंगे मीडियन। देन मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। कि लोअर लिमिट कितनी है बच्चों? देन लोअर लिमिट 3000 है,
प्लस एन बाय टू कितनी है, एन बाय टू हमारी 200 है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हैं एन बाय टू कितनी है 200, माइनस सी एफ, सी एफ कितनी है 130, डिवाइडेड बाय एफ, एफ कितनी है 86, इंटू एच, एच कितनी है 500, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। नौ 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे, देन 20 बाय 86 इंटू 500, ना इन दोनों को क्रॉस करेंगे फोर की टेबल से, नहीं टू के टेबल से, 2 4 जै 8, 2 3 जै 6, 2 2 जै 4, 2 5 जै 10, 0, 250 को 20 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो 3000 प्लस 250 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 17500 आती है, कितनी आती है 17500 एंड डिवाइडेड बाय 43, ये वैल्यू मिल जाती है। नौ 3000 प्लस 17500 को जब हम 43 से डिवाइड करेंगे बच्चों, देन वी विल गेट 406.976, 406.976। नौ 3000 प्लस 406.97 है 976, ओके, यूनिट प्लेस पे क्या है मोर देन 5, 5 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें एक नंबर टेंस प्लेस पे एक नंबर को हम ऐड कर देंगे, देन हो जाएगी हमें 3000 प्लस 406.98, इसमें ऐड करेंगे 1 देन 98, नौ इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिल जाती है 3406.98, ये आवर्स में है, हेंस मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प इक्वल्स टू 3406.98 आवर्स, ओके। किसी भी लैम्प मीन्स नियॉन लैम्प की जो मीडियन लाइफ टाइम है दैट इज ओके, नियॉन लैम्प की मीडियन लाइफ टाइम कितनी है 3406.98 आवर्स, एंड आई होप बच्चों दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली, सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन बाय बाय।